Hello, sir. Hey, good morning. How are you? Good, sir. How are you? I'm good. Good morning, sir. Good morning. How are you? Fine. यहाँ साइन कर दीजिए. Pen, please. Thank you, sir. आपका कोई भी ID proof. Mr. Parmar, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ. How are you? Good to see you. I'm sorry, sir. This is a new staff. Mr. Parmar हमारे बहुत ही पुराने और important client हैं. बीजू सर का सामान 47 में रख दो. Okay, sir. Thank you. शबनम, माला आई क्या? ए, इधर आओ. टाइम क्या हुआ है? सॉरी सर, लेट हो गई. वो बेटी. अरे यार, तू मैंने ज्यादा फायदा मत उठाया करो. मैं लास्ट वार्निंग दे रहा हूँ. अगर आगे से देर से आई तो काम से बाहर समझो. और अब खड़ी खड़ी मेरा मुंह मत देखो. जाओ और तैयार हो. गेट आउट. काजल, तेरे पास सिटी भी नहीं गया? क्यों, क्या हुआ? अरे देख ना यार, जल्दी जल्दी में फट गया थोड़ा सा. तू भी ना. देखना है क्या? नहीं है बाबा. ए, क्या देख रहा है? शो चल रहा है इधर? शो नहीं, नौटंकी. नौटंकी चल रहा है, वही देख रहा हूँ. ये टाइम पास करना बंद करो और चुपचाप काम पे लगो. बॉस ने बोला है. बहुत लेट हो गया यार, बहुत काम बाकी है. वो तो गलती से. गलती से? शबो, मैनेजर को बुला. मैं आपसे फिर से सॉरी कहता हूँ. सर, आप इनको सॉरी बोल रहे हैं? इन्होंने तो मीनू को. तुम चुप रहो, कुछ नहीं हुआ है. और जब सर कह रहे हैं कि कुछ नहीं हुआ तो कुछ नहीं हुआ. सर, ये झूठ बोल रहे हैं. देखा, ऐसे ही अपने गेस्ट को अटेंड करती हैं. सीधे ही उंगली उठा दी. सॉरी बोलो सर से. सर, सॉरी बोलो वरना निकलो इस होटल से. सॉरी. ए चिंकी बेटा, देखो देखो कौन है. मम्मी आई. मम्मी. चल, हूँ जाऊँ छू माला. थैंक यू मासी. आप है तो इसलिए मैं जा पाती हूँ, वरना इमा शू थे गई माला. और वैसे भी मुझे काम क्या होता है, चिंकी होती है तो मुझे भी अच्छा लगता है. चल, हूँ जाऊँ छू. आओ जे. मस्ती हो गया, अब सोई सही. ओके, चलो सो जाओ. आप कर लो. दिमाग किसने गया क्या तेरा? पागल हो गई है? अबे तो सिर्फ खरोचा है, फिर से मेरे घर में घुसने की कोशिश की रहा तो काट डालूंगी, समझा? भूल गई तू पहले क्या थी?
2% की। रे क्या बोला, फिर से बोल, चुप क्यों हो गया? हाँ छोड़ूंगा नहीं तेरे को मैं। चल यहाँ से निकल, चल बहुत, चल बहुत बोल रही है तू, चल यहाँ से, जानती नहीं तू मेरे को, चल जा यहाँ से, तू समझ जा, छोड़ूंगा नहीं तेरे को मैं, समझी, फिर आऊंगा मैं, समझ लेना। माला के जीवन को देखकर यही जाहिर होता है कि वो बहुत मेहनती और जुझारू महिला थी, जो खून पसीना एक करके अपनी बेटी को बड़ा करने की निरंतर कोशिशों में लगी हुई थी। माला दिन रात मेहनत करके अपनी बेटी को एक बेहतर कल देना चाहती थी, लेकिन ऐसा क्यों प्रतीत हो रहा था कि मानो माला खुद अपने अतीत से दूर भाग रही हो। क्या वाकई माला के अस्तित्व की इस ऊपरी परत के नीचे कोई गोपनीय राज छिपा हुआ था, और वो कौन शख्स था जो माला के घर में घुसकर उसे धमकाकर चला गया था? आखिर ऐसा क्या छुपा हुआ था उसके बीते हुए कल में, जो उसकी आने वाली जिंदगी पर इतना गहरा असर छोड़ गया था? और क्या वो राज सही में उसके लिए खतरा बन सकता था? कल वो हरीश आया था फिर से, तो पुलिस में कंप्लेन क्यों नहीं करती है? नहीं कर सकती, आप जानती हो ना। चलो चलो। सोनू, अगर आप मामा को जाने नहीं दोगे तो मामा लेट हो जाएगी ना, और फिर मामा को डांट पड़ेगा, नहीं ना? बाय। ए चंकी, तू बड़ी होके ना बिल्कुल तेरी मम्मी जैसी बनना, एकदम बहादुर। क्या है हा? पिछले एक हफ्ते में माला 2 बार लेट आई है, मुझे इसके बारे में पता भी नहीं। सर सुबह तो देखा, तब नहीं, अभी दिखाई नहीं दे रही। सर वो आई है, वो इधर ही है, कुछ काम कर रही होगी, मैं उसको बुला के लेके आती हूँ। माला, 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 को बैरिकेड करवा दो, कोई अंदर नहीं आना चाहिए। मुझे 2 शिफ्ट में 24/7 यहाँ पे कांस्टेबल चाहिए। सर, तिवारी। हाँ, क्या कह रहे थे आप? कौन सी मीटिंग? सर, वो मैं ये कह रहा था। सर, मैं हर हफ्ते एम्प्लॉयज की मीटिंग लेता हूँ, उनकी प्रोग्रेस चेक करने के लिए। आप कौन? सर, मैं प्रवीण, ओनर का बेटा। आई लुक आफ्टर यू। इन्हें प्लीज बाहर ले जाइए, बाहर ले जाइए प्लीज। एक पल में माला के जीवन का अंत हो गया, एक पल में सारे सपने, सारी महत्वाकांक्षाएं, सारे मंसूबे मानो अस्तित्वहीन हो गए। माला की इस निर्मम हत्या के पीछे क्या राज था? वो कौन था या थी जिसने इतनी बेरहमी से माला को मौत के घाट उतार दिया था? ऐसे कई सवाल अब पुलिस के सामने थे। ये 47 में कौन रह रहा था? गेस्ट डिटेल्स मंगवाइए। सर, मिस्टर परमार, मिस्टर एमटी परमार। क्या बात है, आपको सारे गेस्ट के नाम याद है? सर एक्चुअली वो हमारे रेगुलर क्लाइंट हैं। अच्छा, तो अभी कहाँ है वो? सर मिस्टर परमार 2 दिन से ज़्यादा रुकते नहीं हैं, अब तक तो शायद चेकआउट कर चुके होंगे। कब? 8 बजे शायद। शायद क्या मतलब, आपको पता नहीं चेकआउट कब किया? सर मैं रोज 10 बजे आता हूँ, उससे पहले वो चेकआउट कर चुके होते हैं। रजिस्टर में एंट्री होगी, मैं लेके आता हूँ। जाइए। सर आपको कुछ चेक करने की जरूरत नहीं है, मैं बताती हूँ आपको, खून हरीश ने किया है। उसको इतनी खुन्नस थी माला से कि वो एक दिन होटल तक पहुंच गया, रोज माला को टेंशन देता था। किदू तू, मैंने एक बार नहीं बार बार बोला था, आखिर वही हुआ ना। साहब मैंने खुद माला को बोला था कि वो हरीश का कुछ कर, वरना वो तुझे तंग करता रहेगा। कल वो हरीश आया था फिर से, तो पुलिस में कंप्लेन क्यों नहीं करती है? मार ही डाला ना। अरे रे भगवान, अब बिचारी नु हमें शू थशे। साहब इन्हें छोड़ता नहीं, कड़ी से कड़ी सजा देना उसको, छोड़ना मत उसे। पहले गुनाह तो बताओ साहब। तू नहीं जानता माला के बारे में? मेरे को क्या पता साहब, मर गई साली, अच्छा हुआ। साले क्यों रे, क्या बिगाड़ा था उसने तेरा?
वो क्या बिगाड़ेगी साहब, उसको तो खाली धमकी देना आता था। किस बात की धमकी? अरे छोड़ो ना साहब, मर गई ना, हमें सू बुलवान। चुपचाप बता, तुम दोनों के बीच चल क्या रहा था? अरे सर, जो औरत मर्द के बीच चलता है वही चलेगा ना साहब, आप भी ना। नहीं साहब। बोल। नहीं साहब। बस आज नहीं साहब, बंद हो गई तेरी हंसी, तोड़ दूं उंगली तेरी। नहीं साहब। बोल, क्यों डराता था उसे? बोल, क्यों धमकाता था? नहीं। मार डाला तूने? नहीं मारा, नहीं मारा साहब, नहीं, प्लीज छोड़ दीजिए साहब, प्लीज। बोल साहब, मैंने कुछ नहीं किया साहब। जिस दिन वो मरी उस दिन मैं नाके पे था साहब, पत्ते खेल रहा था साहब, एक बड़ा हाथ भी मारा साहब। वो चार लोग और थे, राजू भाई, जीतू, चिंटू परेरा और सुनील, चाहो तो आप उनसे पूछ लो, मैंने कुछ नहीं किया साहब। सर, हरीश सच कह रहा था, उस दिन वो पूरा दिन नाके पे ही था, वहाँ के कई लोगों ने उसे वहाँ देखा है, लगता है उसे छोड़ना पड़ेगा। कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन उसके पास जरूर होगी, पीछा जो करता था उसका, सड़ा उसे बेंच पर। और कोई इन्फॉर्मेशन? सर, फोरेंसिक रिपोर्ट, इसके मुताबिक कमरे में किसी भी चीज़ पे कोई खून के निशान नहीं थे। क्लियर है, किसी भारी चीज़ से वार किया गया है, और हमारी इन्वेस्टिगेशन में वो चीज़ हमने मिस कर दी है। क्या हो सकती है भारी चीज़? ये तो होना ही था, अब ऐसी लड़कियों का यही हाल होता है ना साहब। ऐसी लड़कियां मतलब? कुछ याद है उस दिन किसी को देखा था तुमने यहाँ, कोई कोई अजीब बात, कोई इंसान, कुछ याद है तुम्हें? मैंने आपको बोला ना सर, वो हरीश वो बहुत कमीना है, एक बार तो वो होटल के अंदर भी घुस गया था, किसी को नहीं पता कैसे, मुझे तो उसी पर शक है। गेम पॉकेट में साहब, ऐसे कैसे बंद करके रख सकते हैं? कहीं नहीं जाएगा तू, बहुत सवाल करने हैं तेरे से। हमें ये पता लग चुका है कि माला क्या काम करती थी वगैरह वगैरह, कब से जानता था उसे? वो 4 साल पहले मिला था। क्या यार, कोई आ ही नहीं रहा है, पक गई हूँ मैं। तब वो कहाँ मर गए सारे के सारे मजनू? ये डाली चलती है क्या? धंधा मंदा है, लेकिन इतना बुरा भी दिन नहीं आया कि तेरे जैसे फकीर के साथ चलो। चल, आज ये फकीर तेरे को अमीर बनाएगा। आज पत्तों में अपन की बात थी, ये देख नाम लिखा है इस पे तेरा। चल उस दिन से तो जैसे अपना रोज का मिलना जुलना हो गया था साहब, फिर अचानक पता चला वो पेट से थी, साला सब बंद हो गया उस दिन से। और वो बच्चा तेरा है? मुझे क्या पता साहब, ऐसी लड़कियों का क्या भरोसा, कूड़ेदान में तो सबका कचड़ा होता है ना साहब, अब किसका कचड़ा कौन सा है ये थोड़ी बोल सकते हैं। साले, समाज के असली कचरे तो तुम हो, तुम जैसे कमीनों की वजह से लड़कियों की ये हालत होती है। फिर क्या हुआ साहब? मैंने उसे बच्चा गिराने को बोला, उसने मना कर दिया, एक दिन रेड पड़ी, मैंने बाकी लोगों के साथ वो ही पकड़ी गई, फिर साहब वो कोई NGO वालों ने नया काम उन लोग को दिलाया, मतलब शरीफ माफी का कुछ काम था साहब। और उसकी नई जिंदगी को बिगाड़ने के लिए तो फिर से वहाँ पहुँच गया? नहीं साहब, साहब मुझे पता चला उसने वापस से धंधा शुरू कर दिया है साहब, पैसे लेके गया था साहब इस बार। और तुझे कैसे पता चला उसने धंधा फिर से शुरू किया था? साहब वो मैं वो होटल जाया करता था ना, तो वहीं पता चला मेरे को, वो उसका चक्कर चल रहा था और भी लोगों के साथ। किसके साथ चक्कर था उसका? सब होगा कोई नया बकरा। वेश्यावृत्ति से जुड़ी माला जैसी महिलाओं के रिहैबिलिटेशन के लिए सरकार और निजी संगठन कई योजनाएं चलाते हैं, लेकिन बदकिस्मती से कई महिलाएं दोबारा इस जिस्म फरोशी के दलदल में खींच ली जाती हैं, फांस ली जाती हैं, और इसके जिम्मेदार सिर्फ खुद ये महिलाएं नहीं हैं, बल्कि हमारा समाज भी है, जो इनके पुनर्वसन का प्रचार तो करता है लेकिन इनकी आलोचना करने से भी बाज नहीं आता। वास्तव में वो समाज ही है जो माला जैसी अनगिनत महिलाओं को उनका अतीत भूलकर आगे नहीं बढ़ने देता। क्या माला भी समाज के इसी दोगले रवैये का शिकार थी? क्या उसके भविष्य की हत्या उसके अतीत के हाथों हुई थी? आए दिन प्रोस्टिट्यूशन से बचकर भागने वाली लड़कियां फिर से उसी चंगुल में फंसती हैं। कहीं माला भी उसी तरह से? पर उस पर तो अपनी बेटी को बड़ा करने का प्रेशर भी था, हो सकता है कि उसका कोई पुराना क्लाइंट होटल में मिल गया हो इत्तेफाकन। हो सकता है, या फिर पैसों का लालच। शाह, उस दौरान जो गेस्ट वहां पर रुके थे उन सबकी लिस्ट थी ना तुम्हारे पास? सबसे पूछताछ की? सर, सबसे पूछताछ हो गई, सिर्फ उस परमार से कांटेक्ट नहीं हो पा रहा है जिसने उस दिन उस रूम से चेकआउट किया,
और मैनेजर ने अभी अभी बताया कि उसने ऑफिशियली चेकआउट भी नहीं किया है। इतनी खास इन्फॉर्मेशन वो अभी दे रहा है? इस परमार का एड्रेस निकालो, दर्शन देने का टाइम हो गया है। मुझे नहीं पता कि वो कहाँ है। वापी में प्लांट से माल लेने के लिए जाते हैं और वहीं रहकर आते हैं। नॉर्मली 2-3 दिनों में वापस आ जाते हैं, पता नहीं इस बार ऐसा क्यों। उनका कोई फोन वोन आया था? नहीं, मैंने ट्राई किया था लेकिन लग नहीं रहा था। लेकिन आप उन्हें क्यों ढूंढ रहे हैं? क्योंकि हमें कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए। कहाँ गए वो? अहमदाबाद शायद। वहाँ पे कोई परिवार वगैरह है, कोई रिश्तेदार जिनका एड्रेस मिल सके? हाँ, एक डायरी है, मैं लेकर आती हूँ। देखिए, हमें ऐसा क्यों लग रहा है कि आप हमसे कुछ छुपा रही है? नहीं नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं। अभी तो सिर्फ पूछताछ चल रही, लेकिन इन फ्यूचर हमें ये पता चला कि आपने हमसे कुछ छुपाया है तो बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी हो सकती है। बेहतर यही होगा कि आप हमें बता दें। वो कुछ दिनों से मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे शक था कि शायद उनका किसी के साथ, वापी में शायद कोई और औरत है। लास्ट टाइम की तरह इस टाइम नहीं होगा वो, मैं पहुंच जाऊंगा। एक मीटिंग है, उसके बाद मैं डायरेक्टली 7 बजे होटल पहुंचूंगा। लेकिन एक बात बोल दूं, किसी और क्लाइंट को अपना टाइम वाइम मत देना। इस बार मेरे को तेरा पूरा वक्त चाहिए, बिना झिक झिक के, समझी ना? क्या है? किससे बात कर रहे थे? काम की बात थी, डीलर से बात कर रहा था, मिलना है उसको वापी में। और ये क्लाइंट के बारे में सब? मैंने बोला ना, काम की बात थी। वो डीलर अगर दूसरे क्लाइंट के पास चला गया तो 2 दिन तक मुझसे नहीं मिलेगा। सर, इस परमार को किसी ना किसी तरह ढूंढ के निकालना होगा। एक तो उसकी बीवी का शक, और ऊपर से वो गायब है। सर, ये आदमी 100% इस केस में इन्वॉल्व है। उसके कॉल रिकॉर्ड निकलवाओ, सिग्नल ट्रायंगलेट करके उसका लोकेशन ट्रेस करो। इस प्रोस्टिट्यूशन के एंगल की वजह से इन्वेस्टिगेशन का रुख बदल गया है। अगर माला फिर से ये धंधा करती थी तो ऑब्वियसली उसका एक क्लाइंट तो हो नहीं सकता। सर, ये भी तो हो सकता है कि होटल से जुड़ा कोई ऐसा आदमी हो जिसे माला पे गुस्सा आया हो, क्योंकि उसने ये सब फिर से शुरू कर दिया। डेफिनेटली हो सकता है, इसीलिए हमें नए एंगल से फिर से पूछताछ करनी होगी, होटल से जुड़े हर एक आदमी से, खासकर सुधा देसाई जिसने सबसे पहले माला को नौकरी दी थी, वहाँ से शुरू करते हैं। जी सर। इंस्पेक्टर साहब, जब भी मुझे मौका मिलता है, आई लाइक टू हेल्प दीज गर्ल्स। अगर मैं इनके लिए कुछ कर सकती हूँ तो क्यों ना करूँ? अगर मेरी हेल्प से इनकी जिंदगी बदल जाती है, देन व्हाई नॉट? अब आप ही देखिए ना, 1 साल हुआ है मीनू, माला और शबनम को यहाँ आए हुए। कितनी डिग्निफाइड जिंदगी बिता रही है तीनों। दोनों? ओया, दोनों। आपकी हाल ही में माला से कुछ बात हुई थी? उसका होटल में किसी स्टाफ के साथ या किसी कस्टमर के साथ कोई खास लगा? देखिए इंस्पेक्टर साहब, मैं इस होटल में ज्यादा इन्वॉल्व नहीं रहती हूँ। मेरा बेटा प्रवीण वही मैनेज करता है सब कुछ। आई डाउट कि उसे कुछ भी पता होगा। लेकिन हाँ, डे टू डे बेसिस पे हमारे मैनेजर को सब पता था। लेकिन ये हमारी गलती कहिए या जो भी कहिए, कि ध्यान नहीं दिया, हमने सब कुछ अपने मैनेजर पर छोड़ दिया। वैसे भी इन तीनों लड़कियों का यहाँ एम्प्लॉय करना हमारे मैनेजर को कभी पसंद नहीं था, क्योंकि शायद वो प्रोफेशनली करेक्ट भी था, क्योंकि उसके हिसाब से इन लड़कियों को एम्प्लॉय करने से हमारी होटल की रेपुटेशन जाती है। एंड आई एम रियली हर्ट कि माला दोबारा इस प्रोफेशन में चली गई है। मेरी उन तीनों से कोई पर्सनल प्रॉब्लम नहीं है, और माला से तो बिल्कुल नहीं। वो तो ये सब छोड़ के नौकरी करके अकेले एक बच्चे को बड़ा कर रही थी, जो कि आसान नहीं है, लेकिन माला कर रही थी। और जब मुझे पता लगा कि वो ये सब छोड़ के उसने ये धंधा फिर से शुरू कर दिया है, तो मुझे दुख हुआ। आप चाहें तो और लड़कियों से पूछ सकते हैं। मैं एकदम सच कह रहा हूँ। हाँ सर, वो सिर्फ दिखाता है कि वो सख्त है, अंदर से वो मोम है। अच्छा है बेचारा, उसे सच में हमारी परवाह है। प्रॉब्लम तो क्या? प्रॉब्लम तो क्या? बोलो, डरो मत। प्रॉब्लम तो सर प्रवीण सर को है। वो पहले से ही हमसे चिढ़ते थे। वो तो सुधा मैम ने बोला इसलिए वो मान गए, वरना तो। और जब से पता चला
कि हम तीनों में से किसी ने धंधा शुरू कर दिया है, तब से तो वो जल्दी जल्दी इधर आओ जल्दी, ए इधर जल्दी इधर आ। क्या हो रहा है यहाँ पे? हाँ क्या हो रहा है यहाँ पे? मेरे रिजॉर्ट में जो भी होता है ना मुझे सब समझ में आ जाता है। मेरी माँ ने तुम लोगों पे तरस खाया, तुमको यहाँ पे नौकरी दी, हाँ तुम पे विश्वास किया। मैंने उसे पहले ही बोल दिया था तुम लोग विश्वास करने के लायक नहीं है। मुझे ना सीधा जवाब चाहिए। चुपचाप मुझे बता दो तुम तीनों में से ये गंदा काम कौन कर रहा है यहाँ पे? कौन कर रहा है प्रोस्टिट्यूशन यहाँ पे? जो भी मेरे रिजॉर्ट में होता ना मुझे सब कुछ समझ में आ जाता है। अब मैं उन कस्टमर्स को कुछ नहीं कहूँगा, तो बेहतर होगा कि तुम तीनों में से जो भी ये कर रहा है ना मुझे 48 घंटे में बता दे। 48 आवर्स, 48 घंटे हैं तुम लोगों के पास, इतना तुम तीनों यहाँ से बाहर जाओगे। बहुत भड़क गए थे सर, हम तीनों के लिए बहुत खुन्नस भर गई थी उनके अंदर। कहने लगे कि हम लोग होटल का माहौल खराब कर रहे हैं, लेकिन सुधा मैम बहुत अच्छी हैं, उन्होंने ही हमको बचाया। तो कौन था वो? क्या वो कौन था तुम में से जिसने धंधा वापस शुरू किया था? मुझे नहीं पता सर। देखो शबनम सच बता दो, हमसे कुछ छुपाना तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। मैं सच बोल रही हूँ सर, कसम से मुझे नहीं पता। इनसे पूछो कि इन तीनों में से वो लड़की कौन है जिसने जिस्म का धंधा फिर से शुरू किया था? कौन है वो? तुम थी? नहीं नहीं, मैं सोच भी नहीं सकती हूँ, बहुत मुश्किल से छुटकारा मिला है। मैं वो काम कभी नहीं करूँगी। तो फिर माला? माला बहुत अच्छी थी, माला मेरा हम सब का ख्याल रखती थी, वो खुद को खुद की लाइफ को बदलना चाहती थी। वो यह कर नहीं सकती, उसके साथ बहुत बुरा हुआ है, प्लीज़ आप उसको उसके मारने वाले को खोज निकालें। हाँ बोलो। ठीक है सर, परमार का पता चल गया। अरे सर मैं सच बोल रहा हूँ, मेरा इससे कुछ लेना देना नहीं, मैं तो एक मामूली सा बिजनेसमैन हूँ। तेरी बिजनेस ट्रिप्स कहाँ कहाँ लगती है ना वो सब जानते हैं हम लोग, सीधी तरह से बता वरना इतने डंडे मारूंगा ना कि बिजनेस करना भूल जाएगा तू। माला के साथ तेरा चक्कर कब से चल रहा था? माला? कौन माला? ये माला जिसका तूने खून किया है। अरे इसको तो मैं जानता भी नहीं सर, मुझे तो ये भी नहीं मालूम इसका नाम माला है। हाँ मैंने इसको होटल में जरूर देखा, लेकिन वो भी दूर से। उसके बाद एक बार बात भी हुई मेरी उससे, लेकिन उसके 5 मिनट बाद मैंने इसको मुर्दा पाया। तो फिर भागा क्यों वहां से, वो भी बिना चेकआउट किए? क्योंकि मैं डर गया था सर, ये सब देख के मैं डर गया था, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। अब सॉरी सर मैं बाद में। अरे कोई बात नहीं, आप कर लो, वैसे भी मुझे वॉशरूम में टाइम लगने वाला है, आराम से करो। बस हाँ सब देख रहा हूँ मैं यहाँ पर। तुम गलत समझ रहे हो। ए, मैं कुछ गलत नहीं समझ रहा, हाँ सब पता चल गया मुझे, तुम ये सब गंदे काम कर रही हो ना। अरे इस घर पहले से ही बड़ी। मैं तो तुम्हारी जिम्मेदारी भी ले रहा था सबसे छुपाकर। ए, 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 बस हाँ कुछ और नहीं बोले कि समझ में आई तुझे? उस आदमी के जाने की आवाज आने के बाद चेक करके बाहर निकला तो जमीन का पूरा खून था। मैं इन सब में फंसना नहीं चाहता था, सामान समेटा और भाग गया वहां से। पर तू वहां माला को मरता हुआ छोड़ के भाग गया। मेरा उससे कुछ लेना देना नहीं था माला से, तो मैं इसको क्यों मारता? देख हम सब जानते हैं तेरा और उसका चक्कर चल रहा था ना, यहाँ आने से पहले तू उसे फोन करता था ना, और फिर होटल रूम में जाके तुम दोनों टाइम पास करते थे। सर वो ये नहीं थी सर। तो कौन थी वो? सर उसका नाम शबनम है, वो भी उसी होटल में काम करती है। मेरा माला के साथ कुछ लेना देना नहीं है सर। तेरा लेना देना किन किन लोगों के साथ है ना वो हम पता कर लेंगे। मैंने झूठ बोला, मुझे मेरी नौकरी बचानी थी, इसके अलावा मैंने और कोई झूठ नहीं बोला ताकि लोगों का शक तुमसे हटकर माला पे जाए। और तुम्हारे इस झूठ की वजह से माला की जान गई हो तो किन किन लोगों को माला के बारे में ये झूठ बताया था तूने? सर
मेरे को पता था कि विजू हम सबको बहुत हेट करता है, इसीलिए मैंने उसके कानों में ये बात डाली। मुझे पूरा भरोसा था कि वो 100% यह अफवाह जरूर फैलाएगा, और उसने वही किया। मैं क्या करूं सर, मुझे ये नौकरी की जरूरत है और मुझे पैसे भी कम पड़ रहे थे। लेकिन मैंने ये झूठ माला को फंसाने के लिए नहीं बोला, खुद को बचाने के लिए बोला। मैं जानती थी कि माला सबकी फेवरेट है और उसकी छोटी बच्ची भी है। सर मुझे पूरा भरोसा था कि सुधा मैम, मैनेजर और प्रवीण सब उसको माफ कर देंगे, लेकिन मुझे नहीं पता था कि कोई उसको खून कर देगा। सर माला ने मुझे और मीनू को बहुत संभाला है, एकदम अपनी बहन की तरह, और मैंने उसके साथ क्या किया? तुमने अभी ये बताया कि विजू तुम सबसे नफरत करता था, किन किन लोगों को बताया होगा उसने माला के बारे में ये झूठ? सर सबको, सबको बताया, और बताता भी क्यों नहीं? साहब गंदी नाली में रहती थी तो उधर ही रहो ना, बाहर निकलने की क्या जरूरत है? सब बिगाड़ के रख दिया। होटल क्या उनके बाप का है कि जहां देखो वहां धंधा खोल दिया? तो होटल क्या तेरे बाप का है जो तू डिसाइड करेगा कि कौन अंदर आएगा और कौन नहीं? और तू जो ये गंदी नाली की बात कर रहा है ना, वहां पे ये लड़कियां या तो बदकिस्मती से पहुंचाई जाती है या वहीं पे पैदा होती है। गंदी सोच तो तेरी है जो तेरे अंदर पैदा हुई, और ये कम था जो और लोगों में भी फैलाया तूने? गंदगी तूने फैलाई, उन लड़कियों ने नहीं, समझा? विश्वास नहीं होता ना, एक अकेली असहाय औरत असंख्य कठिनाइयों से जूझ कर किसी तरह अपनी इकलौती बेटी को बड़ा करने का प्रण लिए जीती है, हिम्मत से डट कर हर मुश्किल का सामना करती है, इतना ही नहीं अपने अतीत को पीछे छोड़कर उस पर भी विजय पा लेती है, पर आखिरकार हार जाती है एक अफवाह के सामने। अपने स्वार्थ के लिए फैलाया गया एक घिनौना झूठ बना माला का अंत। इससे यह साबित होता है कि एक मामूली अफवाह का परिणाम भी अत्यंत भयानक हो सकता है, इसलिए बेहद जरूरी है कि ना तो हम अफवाहों को पनपने दें और ना ही इन्हें फैलने दें। माला की हत्या का कारण तो पुलिस के सामने था, लेकिन हत्या करने वाला अब भी अदृश्य है। सर देखा जाए तो मोटे ऑलमोस्ट हर किसी के पास था। ये परमार, इसका तो सारा कच्चा चिट्ठा हमारे सामने। हो सकता है इसने माला के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश किया, माला ने इनकार कर दिया और इसका अपने गुस्से पे से काबू हट गया। ये प्रवीण और विजू ये तो माला से नफरत करते ही थे, पर इस शबनम का चक्कर सर कुछ समझ में नहीं आ रहा। सर ये सब झूठ बोल रहे हैं, और इस परमार ने तो खड़े खड़े कहानी बना दी उस आदमी और माला के बीच के झगड़े की। क्या कहा था उसने, किसी भारी चीज से वार? सर हमने पूरे कमरे की फोरेंसिक जांच की है, कुछ नहीं मिला। कुछ नहीं मिला क्योंकि वो चीज वहां पर मौजूद थी ही नहीं। वारदात वाले कमरे में जो ये लोहे का शोपीस था, वो स्टैच्यू हर एक कमरे में था, समझे तुम? जी सर। ऐसे और कितने शोपीस हैं आपके पास? सर सेकंड फ्लोर के कमरे में सुपीरियर डीलक्स रूम 12 होंगे सर। अच्छा, बाकी के 11 शोपीस को फॉरेंसिक के लिए भेजो एज सून एज पॉसिबल। जी सर। शायद इनमें से ही कोई शोपीस हमें अब सच्चाई तक पहुंचाएगा। सर दूसरे कमरे से मिले शोपीस पे खून के बहुत ही छोटे, मतलब माइक्रोस्कोपिक धब्बे हैं। और कुछ? सर उस पे बहुत सारे फिंगरप्रिंट्स भी मिले। होटल के स्टाफ और कस्टमर से जो हमने फिंगरप्रिंट्स लिए थे, हमने उसके साथ उसे मैच किया। कोई मैच मिला? सर एक नहीं, एक से ज्यादा। उसमें से कुछ फिंगरप्रिंट शबनम के। अरे उसके फिंगरप्रिंट्स तो हर एक चीज पे मिलेंगे, वो भी डिलक्स रूम में ही काम करती थी ना। जी सर, लेकिन सर ये देखिए इसके फिंगरप्रिंट्स, कुछ अजीब नहीं लग रहा? पहले हमें लगा कि इसमें क्या बड़ी बात है, तुम भी यहाँ काम करती हो शबनम की तरह, तुम्हारी उंगलियों के निशान तो हर एक चीज पर हो सकते हैं। लेकिन बाद में हमें याद आया कि तुम तो उस फ्लोर पे काम ही नहीं करती। सर मीनू की किसी क्लाइंट से मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी, इसलिए मैंने उसे स्टैंडर्ड में शिफ्ट कर दिया, और डीलक्स रूम तो पूरा माला और शबनम संभालती थी। माला ने हमेशा तुम्हारा ख्याल रखा और तुमने उसे मार दिया। क्यों मारा उसे, बोलो? मैंने नहीं किया, मैंने नहीं मारा। माला दीदी थी मेरी, मैं उससे बहुत प्यार करती थी, लेकिन जब मैं उसे बुलाने गई तो मैंने देखा माला दीदी को मारते। उसने मुझे धमकी दी, मैं डर गई, इसलिए खून वाली मूर्ति छुपाने में मदद की।
चुपचाप बताओ कि तुम्हें धमकी किसने दी थी। हम जानते हैं कि तुम माला के बहुत करीब थी। हम लोगों को उसके हथियारे तक पहुंचने में मदद करो। बताओ किसने माला को इतनी बेरहमी से मारा है। आप मुझे यहां पर एक कॉमन क्रिमिनल की तरह, मैंने कहा ना आपको आई एम इनोसेंट, डैमन। अच्छा, लेकिन मीनू ने तो हमें कुछ और ही बताया। तो आप उस गूंगी की बातों पर यकीन करेंगे? चिल्लाओ मत, तेरी चीखों की आवाज ना परमार तक पहुंचा सकते हैं। प्रवीण, तुम्हें पता है सचमुच तुम्हारी होटल के बुरे दिन चल रहे। देखो ना, सबसे पहले तुम्हारे एक एक स्टाफ मेंबर, उसके बाद तुम्हारे एक एक कस्टमर, सबकी खातिरदारी की हमने, डंडे खिलाए, हड्डियां तोड़ी, सबने अपना अपना सच बोल दिया। अब तुम्हारी बारी है। फर्क सिर्फ इतना है कि उन लोगों का गुनाह छोटा छोटा था, लेकिन तूने मर्डर किया है। अब सच बोलेगा ताकि हम लोग चैन से सो सके और तेरे होटल वालों को चैन से सोने दे। हमें यह तो पता चल गया था कि तुम माला से नफरत करते हो, पर पिछले 6 महीनों में बात इतनी बिगड़ गई थी कि तुम एक दूसरे का चेहरा भी नहीं देख सकते थे। तो हमने सोचा पिछले 6 महीने का चक्कर क्या है, पता करते हैं। और इसीलिए हमने तुम्हारे फोन रिकॉर्ड्स निकलवाए, लेकिन उसमें भी एक अजीब बात सामने आई। 6 महीने पहले एक नंबर से तू घंटों बातें किया करता था, ये नंबर माला का है ना। फिर ऐसा क्या हो गया कि तुम दोनों ने एक दूसरे से बात करनी बंद कर दी? बोलो, बोल। तू बोलेगा या मैं बुलवाऊं? हाँ हाँ, मैं नहीं मारा उसे, मारना नहीं चाहता था पर मारा। एक साल पहले उसने मेरा रिसॉर्ट ज्वाइन किया, सब कुछ नॉर्मल था, फिर हम दोनों को प्यार हो गया। 6 महीने तक सब ठीक था, पर जब मॉम को पता चला तो वो चाहती थी कि ये सब बंद हो जाए, मैं सब बंद कर दूं। उसके बाद भी कोशिश की। ये धोखा ही तो है प्रवीण, आज मैं जो हूँ जहाँ हूँ तुम्हारी माँ की वजह से हूँ, और तुम मुझे बोल रहे हो उनको धोखा देने के लिए। अगर हम साथ रहेंगे तो उन्हें सच बताकर, वरना नहीं। दोनों बकवास बंद करो, नॉर्मल बातें करो, कुछ प्रैक्टिकल सोचो। ये फिलोसफी ना मुझ पे मत छाड़ो, और तुम्हें तो बल्कि खुश होना चाहिए कि छिप छिप के सही पर ये रिश्ता तो आगे बढ़ रहा है ना, वरना तुम जैसी लड़कियों को ना ये भी नसीब नहीं होता। वैसे घूर क्या रही हो तुम? सही कहा तुमने, मुझ जैसी लड़कियों के नसीब में नहीं है ये सब। बर्दाश्त नहीं होता था मुझसे, एक सेकंड में मेरा सब कुछ खत्म हो गया। माला मेरे इतने पास थी, लेकिन हमारे दरमियान कुछ भी नहीं था। लेकिन जब उस विजू ने मुझे आकर ये बताया कि इन 3 लड़कियों में से कोई एक लड़की फिर से धंधा करती है, तो वो मुझसे सहन नहीं हुआ। मुझे समझ आ गया कि एक बार की वैश्या ना पूरी जिंदगी की वैश्या। मैंने अपनी आंखों से उसे उस परमार के कमरे में देखा, अपने कपड़े एडजस्ट कर रही थी वो। ओ, तो ये सब हो रहा है यहां पर? ये है तुम्हारी असलियत? क्या क्या बोल रहे हो तुम? क्या बोल रहा हूँ, बड़ी बड़ी बातें करके तुम ये गिरोह काम कर रही हो, अपना जिस्म बेच के खा रही हो। तुम गलत समझ रहे हो। बस कर, हाँ सब देख चुका हूँ मैं, तेरे प्यार में ना मैं अंधा हो चुका था। प्रवीण, ये इसका टाइम सब। बस बस, हाँ सब देख रहा हूँ मैं यहाँ पर। तू जैसे गिरी औरत के लिए ना मैं अपनी माँ के आगे रिक्वेस्ट कर रहा था। अरे मैं तो तेरी और तेरी बेटी की जिम्मेदारी लेने वाला था। सबसे छुपा कर। बस आप बहुत मत कर। क्या बोली? बहुत देखो, मतलब ये सब तो जान के बोल रही थी ना।
भरोसा किया था मैंने उस पर, बहुत भरोसा किया था, लेकिन उसने क्या किया, फिर से चली गई ना उस जिस्म के धंधे में, फिर से वेश्या बन गई। धंधा नहीं करती थी वो, कुछ नहीं किया था उसने। और जिस लड़की की तू बात कर रहा है ना, वो माला नहीं शबनम है। ये शबनम ने पैसों के लिए फिर से धंधा शुरू किया, ये परमार वगैरह, इन सब का शबनम के साथ चक्कर था। इन सब के कन्फेशन है हमारे पास। ये मैंने माला पुनर्वसन, दूसरा मौका, नई जिंदगी, माला को दिखाए गए ये सपने मात्र शब्द बनकर रह गए। वास्तव में हमारे समाज ने माला को कोई ऐसा मौका दिया ही नहीं। एक तरफ सुधा थी जिसने बेशक माला को नौकरी दी, लेकिन माला और उसके बेटे के बीच में कोई भी रिश्ता सुधा को नागवारा था। दूसरी तरफ परमार और हरीश जैसे हैवान जो अपने स्वार्थ के लिए माला जैसी लड़कियों को फिर से वेश्यावृत्ति के रास्ते पर लाकर खड़ा कर देते हैं। और अंत में प्रवीण जिसने माला से प्यार तो किया लेकिन उस पर कभी विश्वास नहीं किया, और उसका अविश्वास इतना गहरा था कि इसकी वजह से प्रवीण ने खुद माला की जान ले ली। इस पूरे हादसे के अंत में अगर एक चीज अच्छी हुई तो वो ये कि अपने बेटे के गुनाह का प्रायश्चित करने के लिए सुधा ने माला की बेटी के पालन पोषण की पूरी जिम्मेदारी अपने सर ले ली। इस सत्य से मुंह नहीं मोड़ा जा सकता कि माला के साथ घोर अन्याय हुआ था। बदकिस्मती से उसके अतीत ने उसके वर्तमान और भविष्य दोनों का गला घोट दिया। उसकी मुस्कुराहट, उसकी जिंदगी उससे छिन गई। किसी की आलोचना कर उन पर अपनी राय बनाने की बजाय अगर हम सही मायने में सच्चे और निस्वार्थ भाव से उन्हें स्वीकार करें, समाज में आत्मसात करें, तो आज के इस केस की यही हम सब के लिए सीख होगी। इसी विचार के साथ अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं। फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में एक और चौंका देने वाले केस के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल डायल 100। सबक एक को सीख हम सबको। जय हिंद। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।